नौशकी और चागी शामिल हो गए। सबसे बड़ा मसला यह है, मैं अपने सलीम भाई के लिए, दोस्त के लिए यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह कोई खराबी नहीं हुई है, असल में प्रॉब्लम आपके सिस्टम में खराबी है। अभी तक जोन और डिवीजन का सिस्टम चलता है पोस्टों पे। बहुत से जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं, जिस तरह फिशरीज डिपार्टमेंट है, वो जोनल रिक्रूटमेंट करते हैं और जोनल रिक्रूटमेंट में अभी तक वो 8-10 डिस्ट्रिक्ट को एक जोन में शामिल कर लेते हैं, फिर वहां से ये जो रिक्रूटमेंट करते हैं, फिर जिधर भी जगह खाली है भेज देते हैं। हमने खुद इस पॉलिसी की मुखालफत की। मैं तकरीबन 2 साल से बारहा ये कह रहा हूं कि जनाबे वाला, ये हुकूमत की सबसे बड़ी नालायकी है कि हम 10 दफा कह चुके हैं कि रक्षान डिवीजन बन गया है, SNJD को कहें वो बैठे, कला डिवीजन, क्वेटा डिवीजन को बिठाए और रक्षान डिवीजन का कोटा जो है वो अलग कर दे। तो इस तरह ये जो कंफ्यूजन है, ये नहीं है क्योंकि खारान का गरीब आदमी वो गलत तैनात हो गया, वो जोनल कोटे पे जब तैनात कला डिवीजन के हो जाता है तो यकीनन अभी तक ये पॉलिसी शामिल है इसमें। इसमें लहजा ये रक्षा उन्हें आईन और कानून की सरियन खिलाफ वर्जी करते हुए बलोस्तान भर में अहम कौमी शाहराओं पर चेक पोस्टें कायम किए हैं, जो न सिर्फ आवाम के लिए तकलीफ और मुश्किलात का बायस बन रहे हैं बल्कि करप्शन और हादसात में भी इन चेक पोस्टों के बायस इजाफा हुआ है। क्या सूबाई हुकूमत ने इस बाबत कोई पॉलिसी वजा की है? तफसील फराम की जाए। शुक्रिया। देखें, एक अहम इशू नहीं, वो सलीम कोसा साहब देना चाहते हैं, पढ़ रहे हैं। सलीम साहब, आप इसमें जवाब देंगे? देखें, मैं मेरे ख्याल में पॉलिसी है, मेरी गुजारिश है, होम मिनिस्टर साहब नहीं है, मैं भी अभी इसको देख रहा हूँ। पाकिस्तान के अवाम बत्ताखोरी का जो है शिकार होते रहे। इस्लाम ये जनाबे वाला 2 साल पहले, तो आपको पहले इजलास में लाना चाहिए। ये पहले इजलास है जनाबे वाला, पहले इजलास में लाया था, 4-6 दिन का इजलास है, कल आप इजलास रखवा दें मिनिस्टर साहब को। अगर बलोचिस्तान के मामला के हवाले से मिनिस्टर साहब यहाँ पर मौजूद, ये फिर नहीं आएंगे, अगले इजलास में नहीं आएंगे। जनाब स्पीकर साहब, एक बात आपको बताऊं, एक तकलीफ करें, इसका डॉन अखबार जरूर पढ़ें, वहां पर एक आर्टिकल आया है आईए रहमान साहब का, द पार्लियामेंट वी नीड, कि हमें किस तरह की असेंबली और पार्लियामेंट चाहिए। इसमें उसने बताया है कि पाकिस्तान में जमहूरियत इतनी बदसूरत की हुई है और हमारी बलोचिस्तान की असेंबली मिसाल बनती जा रही है। सवालों के जवाब नहीं आते, तवज्जो दिलाओ नोटिस के जवाब नहीं आते, करारदादों के जवाब नहीं आते। 1,50,00,000,000 रुपए इस बिल्डिंग के लिए क्यों खर्च कर रहे हो? क्यों इस असेंबली को बनाया हुआ है जिसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं है, सवाल जवाब नहीं है, लोग लुट रहे हैं, सड़कों पे लोग मर रहे हैं। अभी थोड़ी देर के बाद मेरी तवज्जो दिलाओ नोटिस सड़कों के हवाले से है, मेरा कतरी खिलता हुआ है, उस पर भी मिनिस्टर नहीं है, चीफ मिनिस्टर नहीं है। जनाब नहीं चलेगा, हमने बलोचिस्तान के लोगों को हम खुदा के रहम करम पर छोड़ दे तो शायद खुदा उनकी हिफाजत करेगा। हमने जिम्मेदारी उठाई है कि उनके रहम, कि हमारे रहम करम पे हुकूमत हम है। ये कैसी बात है, आपके चेक पोस्ट खत्म नहीं होते? ये मुझे नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन है 15 जनवरी 2021 का, जब मैं आ रहा था खरान से, जब मैंने चेक पोस्ट पर देखा, सिर्फ एक चेक पोस्ट नहीं जनाबे वाला, फ्रंटियर कोर, आपके कोस्ट गार्ड, लेवीज, पुलिस, कस्टम, एक्साइज, अभी हम पंजगुर से 2 दिन पहले आए। कार्रवाई की तरफ सर, कैसे, किस शर्म से हम बलोचिस्तान के लोगों को इस तरह लुटता हुआ देखेंगे? आप तशरीफ रखें, अगली दफा जब वजीर दाखिल आ जाए इस पर जवाब दे देंगे। इमरान खान साहब ने इस पर लेटर दिया है, मैं तभी रूलिंग दे सकूंगा जब वजीर दाखिला को सुन लूं एक बार। क्या खत्म किया गया, उसको भी बाहर ले गया। इसके अलावा बलोचिस्तान में कोई ऐसी असगर अली तरीन साहब, आप अपना तवज्जो दिलाओ नोटिस से मुतलिक सवाल। शुक्रिया जनाब स्पीकर।